Hi everyone, this is JP Singh. I welcome you all on my channel Medico Smarthi. Hope you all are happy and healthy. My dear friends, today we have a short and special session. This session is targeting every upcoming exam, whether it is NEET PG for year 2023, or you can say November INISET for year 2022, or December FMG for year 2022. So आज का हमारा session है वो है mixed bag images session. इस session में हम कुछ images spot out करने वाले हैं और ये images हर एक exam को target कर रही है. My dear friends, आपको सबको पता है कि images का क्या role है आजकल के exams में. अब जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें इमेजेस का क्या रोल है, इसलिए हमने मैंने सोचा कि पीछे जो हमारे सेशन थे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की है हमने उनमें, ठीक है, मिक्स्ड बैग क्वेश्चन भी हमने किए हैं, ठीक है, 19 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन भी हमने किए हैं. तो मैंने सोचा अब फिर से एक बीच में एक सेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें हम कुछ इमेजेस को भी स्पॉट आउट करें माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है. आई होप दैट आप सब लोग कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, ठीक है, खुद को मोटिवेटेड रखो, ठीक है, खुद को डेडिकेटेड रखो, प्रॉपरली एक कंसिस्टेंट पैटर्न में अगर आप काम करते चले जाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाओगे, इमेजेस को देखते चले जाओगे, ठीक है. मेन चीज क्या होती है, रिवीजन के साथ. रिवीजन हम करते कैसे हैं, रिवीजन का एक बेस्ट मेथड यही होता है कि टॉपिक को रीड आउट जैसे ही आपने किया है, यू मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर दैट टॉपिक. ओके, एक नहीं, दो नहीं, कितने 500-700 क्वेश्चन उस रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड आप प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है. अब बोलोगे यार इतने सारे टॉपिक है एक टॉपिक के बार बार, वही तो मैं नहीं बोल रहा हूँ ना कि एक टॉपिक के करो, बस बात यह है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है. जो टॉपिक आप रिवाइज करते जा रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाओ, ठीक है, और जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप परफेक्ट बनोगे करेक्ट आंसर करने में, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स. तो इस बात को याद रखते हुए कंसिस्टेंटली पढ़ते चले जाइए और खुद में बिलीव कीजिए, ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड जस्ट बी फोकस्ड, वेल डेडिकेटेड, एंड इफ यू आर वेल डेडिकेटेड यू विल श्योरली गेट गुड ग्रेड्स फॉर योर एवरी अपकमिंग एग्जाम, ठीक है. मेन चीज होती है पॉजिटिविटी, खुद में भरोसा, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस. प्रैक्टिस तो क्वेश्चन की होनी ही होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड. हियर वी गो, इमेज नंबर वन. सो हियर यू हैव टू स्पॉट व्हाट यू कैन सी इन दिस एरो मार्क्ड रीजन. माय डियर फ्रेंड्स, हियर यू कैन सी दिस इज शोइंग अस फिगर थ्री साइन. ओके, फिगर थ्री साइन. ओके, here you can see figure 3 sign. Now कौन सी ऐसी condition है जिसमें हमें figure 3 sign दिखेगा my dear. So figure 3 sign हमें दिखेगा किसमें, aortic coarctation, ठीक है, जिसमें aortic knuckle क्या है वो shape लेगी किसकी, 3 shaped. Okay, left sided counter you can see here, वही उस x-ray में था और वही same चीज यहीं पर है, ठीक है. The appearance is formed by pre-stenotic dilation of aortic arc and left subclavian artery. अब ये appearance कैसे बनी उसकी explanation यहाँ पर है, ठीक है. Indentation at the coarctation. It is also known as tuck. Okay, tuck sign भी बोल सकते हो, and post-stenotic dilation of the descending aorta. अब हमें याद क्या रखना है माय डियर फ्रेंड्स, हमें याद रखना है फिगर थ्री साइन दिखता किस कंडीशन में है, तो उसमें हम बोलेंगे aortic coarctation में दिखता है माय डियर फ्रेंड्स. ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट इमेज. हियर वी गो, नाउ यू हैव टू स्पॉट हियर करेक्ट डायग्नोसिस माय डियर फ्रेंड्स, एंड द करेक्ट डायग्नोसिस विल बी व्हाट आर यू थिंकिंग, आई डोंट नो, आई एम गिविंग यू लिटिल बिट हिंट, इफ यू गेट टू नो इट इट्स वेरी नाइस. सो इट इज स्नोमैन साइन. स्नोमैन साइन किस कंडीशन में दिखता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जो प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स. स्नोमैन साइन किस में दिखता है, उसमें स्नोमैन साइन के बारे में नहीं था लेकिन वो कंडीशन थी और क्वेश्चन में दे रखा था स्नोमैन साइन, लेकिन एक्सरे नहीं दे रखा था, नाम दे रखा था, क्या पता एक्सरे दे दे इस बार. तो माय डियर फ्रेंड्स, स्नोमैन साइन दिखता है, वो कंडीशन का नाम क्या है, टोटल एनोमेलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न, TAPVR टाइप 1, ठीक है.
उस कंडीशन का नाम क्या है? TAPVR। सो हमें याद क्या रखना है? हमें याद यही रखना है कि स्नोमैन साइन ऑफ हार्ट किसमें दिखेगा माय डियर फ्रेंड्स? ये दिखने वाला है TAPVR में, ठीक है। सुप्रा कार्डियक टाइप, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज फिगर ऑफ एट साइन। इस साइन को हम क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो फिगर ऑफ एट साइन। इस इमेज में ये सेम ही चीज वापिस है जो पिछली इमेज में थी, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। सो यू हैव टू रिमेम्बर, स्नोमैन साइन रेफर टू कॉन्फिगरेशन ऑफ हार्ट एंड सुपीरियर मेडियस्टेनल बॉर्डर रिसेम्बलिंग एज अ स्नोमैन, ठीक है। तो हमें तो इतना याद रखना है, स्नोमैन साइन इज सीन इन TAPVR। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये लो जी, यहाँ पर एक इमेज और आ चुकी है जिसमें ये क्लियर हो चुका है कि स्नोमैन साइन कैसा होगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। सो इमेज नंबर टू क्लियर हो चुकी है, लेट्स गो टू इमेज नंबर थ्री। हियर गो। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्पॉट आउट प्रॉपर डायग्नोसिस फॉर दिस गिवन इमेज। सो दिस इमेज इज शोविंग अस समथिंग लाइक स्ट्रोम। अब कौन सा स्ट्रोम साइन है मुझे नहीं पता, ठीक है, आप गेस कीजिए क्या हो सकता है ये। माई डियर फ्रेंड्स, जो हमें यहाँ पर कंडीशन दिख रही है, इस कंडीशन को हम बोलेंगे सैंड स्ट्रोम साइन, ठीक है। ये देखिए कुछ मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कहते हैं ना सैंड स्ट्रोम, रेतीला तूफान टाइप, मतलब इस चेस्ट एक्सरे में जब आप देखोगे ये क्लियर नहीं है, ठीक है। इसमें ये पार्टिकल्स ही पार्टिकल्स दिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? सैंड स्ट्रोम साइन, एंड इट इज सीन इन कंडीशन पल्मोनरी एल्वियोलर माइक्रोलिथियासिस। अब सैंड स्ट्रोम साइन किसमें दिखेगा जी? PAM में, PAM में दिखेगा, पल्मोनरी एल्वियोलर माइक्रोलिथियासिस। क्या इमेज नंबर थ्री क्लियर हो चुकी है? ठीक है, दो इमेजेस बीच में सेम थी, स्नोमैन साइन वाली। स्नोमैन साइन किसमें दिखता है? TAPVR में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गो टू नेक्स्ट इमेज, स्पॉट प्रॉपर डायग्नोसिस फॉर दिस गिवन इमेज। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस इमेज का डायग्नोसिस क्या है, मतलब इस इमेज का प्रॉपर आंसर क्या है? कुछ देखिए ध्यान से, कुछ देखिए ध्यान से, व्हाट इज दिस? समथिंग 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 समथिंग, व्हाट इज दिस? माई डियर फ्रेंड्स, दिस इमेज, दिस एक्सरे इमेज इज रिप्रेजेंटिंग अस डीप सल्कस साइन। जब कोस्टोफ्रेनिक एंगल एक साइड से इम्प्रॉपर हो जाए तब उसको हम क्या बोलेंगे? डीप सल्कस साइन। इस साइड देखिए जी, ठीक है, और एक इस साइड देखिए, ये देखिए, तो ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, इसको हम क्या बोल रहे हैं? डीप सल्कस साइन। इसको मैं क्लियर आउट कर देता हूँ यहाँ से ताकि आपको क्लियर हो जाए, अगर इमेज आपने ध्यान से नहीं देखी है तो। अब देख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए, इस चीज को देखिए, ये क्या है? डीप सल्कस साइन माय डियर फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर एक इमेज और है, इसमें क्लियर हो चुका है ये कि डीप सल्कस साइन क्या है। इट इज एन इनडायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ न्यूमोथोरेक्स। अच्छा, कंडीशन कौन सी है? न्यूमोथोरेक्स। इन अ सुपाइन फिल्म इट अपियर एड एज डीप ल्यूसेंट इप्सिलेटरल कोस्टोफ्रेनिक एंगल विद इन नॉन डिपेंडेंट पोर्शन ऑफ प्लूरल स्पेस एज अपोज टू द अपेक्स ऑफ लंग व्हेन द पेशेंट इज अपराइट। माई डियर फ्रेंड्स, हमें याद क्या रखना है यहाँ पर? डीप सल्कस साइन, उसको हम नोटिस कैसे करेंगे? पहली बात तो उसको कोस्टोफ्रेनिक एंगल से नोटिस कर लेंगे, ठीक है। और कंडीशन कौन सी है? न्यूमोथोरेक्स को डिनोट करता है डीप सल्कस साइन। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मिक्स्ड बैग इमेज सेशन, ठीक है। छोटा था पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सारी की सारी इमेजेस क्या है? इम्पोर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और हमारे इमेज सेशन बहुत बड़े हैं, ठीक है। इमेज बैंक, इमेज बैंक प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, उसके अंदर इमेजेस इमेजेस है, ठीक है। और कोई ऐसी इमेज नहीं है, ठीक है, जितनी इमेजेस मैंने कवर की है अब तक, उनमें से मोस्ट ऑफ द इमेज पूछी जा चुकी है एग्जाम्स में, ठीक है। हमने इमेजेस ये कवर अप की है 2016 से, ठीक है, जहाँ छोड़ मतलब उस टाइम इमेजेस बहुत कम आती थी, लेकिन वहीं से इमेजेस पिकअप की गई है 16, 17, 18, 19, 20, 21, ओके, और 22 तो अभी चल ही रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इमेज सेशन को जरूर देखना, जितने भी इमेज सेशन हो चुके हैं, ठीक है। सो थैंक्स टू एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। इफ यू फील दैट दिस वीडियो इज हेल्पफुल,
then don't forget to share this video, like this video and subscribe to my channel for more updates. इसी तरह हेल्दी रहिए, मस्त रहिए और कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रखिए खुद को, डेडिकेटेड रखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाइए माय डियर फ्रेंड्स.